डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर सुभाष पाड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, राजेश पायलट गवर्नमेंट कॉलेज लालसोट। आज हम ग्रासहॉपर के एक्सक्रेटरी और नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ग्रासहॉपर का जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है वो प्रमुख रूप से इसमें मेलपिगिन ट्यूबल्स पाई जाती है। जो भी उत्सर्जी पदार्थ हैं वो मेलपिगिन ट्यूबल्स के द्वारा ही जो है बाहर निकाले जाते हैं। क्योंकि जो ग्रासहॉपर है उसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, तो जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन है वो डायरेक्ट जो है ब्लड के संपर्क में रहते हैं। जो सिलोमिक फ्लूइड है उसमें जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं उनको ये ट्यूबल्स जो है डिफ्यूजन के द्वारा उनको एकत्रित करती है और उसके बाद में उसको इंटेस्टाइन में जो है छोड़ देती है। यहाँ से इंटेस्टाइन से जो न्यूट्रिएंट्स हैं और या वाटर हैं उनको रीअब्जॉर्ब किया जाता है और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको वापस जो है फिर इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कैनाल के द्वारा एनस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। जो अवशोषित पदार्थ हैं जैसे न्यूट्रिएंट्स और वाटर जो होते हैं उसको वापस बॉडी फ्लूइड में ले लिया जाता है और जो एक्सक्रेटरी मटेरियल उसको एनस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। जो ड्राई वेस्ट मटेरियल बचता है उसको यूरिक एसिड कहते हैं और इसको जो है एनएस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। हम बात करते हैं कि जो ग्रासहॉपर की जो मेलपिगिन ट्यूबुल्स है या जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स हैं उनका, जैसा कि आप ये डायग्राम जो देख रहे हैं ये मेलपिगिन ट्यूबुल्स का TS और LS दोनों ही दिखाया गया है। इसके अंदर जो मेलपिगिन ट्यूबुल्स हैं वो पहली बात तो ये है कि जो मिड गट और जो हाइंड गट है यानी कि मध्यांत्र और पश्चांत्र दोनों के जो बीच का स्थान होता है, जैसा आपको इसमें देख पा रहे हैं यहाँ पे एक तरफ मिड गट है दूसरी तरफ हाइंड गट है, यानी कि मध्यांत्र और पश्चांत्र जो है उसके जो संगम स्थल है वहाँ पर ये मेलपिगियन ट्यूबल्स जो है जुड़ी हुई रहती है। चूँकि ये एलिमेंट्री कैनाल में खुलती है, यहाँ से कई जो छोटी छोटी पीले रंग की धागे के समान नलिकाएं होती है जो जिनके जो फ्री एंड्स हैं यानी कि जो स्वतंत्र सिरे हैं वो बंद होते हैं और एक तरफ ये एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो है खुली हुई रहती है। अगर हम इसकी संरचना को देखते हैं तो इसके अंदर एक सेल्स का एक लेयर होता है, जैसा आप ये डायग्राम देख रहे हैं। चूँकि ये TS है तो इसके अंदर आपको जो है दो चीज़ दिखाई दे रही है, एक तो बाहर का जो स्तर होता है उसका वो इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन कहलाता है और अंदर की तरफ इसके अंदर छोटे छोटे माइक्रोविलाई जो है पाए जाते हैं, सूक्ष्मांकुर जिनको कहते हैं। तो एक ब्रश बॉर्डर के समान जो है एक संरचना का निर्माण होता है, जैसा आप LS में भी देख पा रहे हैं जो छोटी छोटी हेयर लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर जो बनी हुई है उसको ब्रश बॉर्डर कहते हैं। तो ये माइक्रोविलाई आपस में मिलकर एक ब्रश बॉर्डर का निर्माण करते हैं। जो मेलपिगिन ट्यूबल्स होती है वो, जैसा मैंने आपको अभी बताया भी कि जो इसका प्रमुख कार्य होता है कि जो हीमोलिम्फ है यानी कि जो अंदर बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है उस हीमोलिम्फ में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के बाद में जो उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं जिनको यूरेट्स के रूप में अलग कर लिया जाता है और फिर उनको यूरिक एसिड में बदला जाता है। यहाँ से जो ये एक्सक्रेटरी मटेरियल्स हैं वो इन मेलपिगिन ट्यूबल्स के द्वारा डिफ्यूजन के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं और यहाँ से फिर एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ये डाल दिए जाते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो इसको फिर जो भोजन होता है उसको, जैसे इनडाइजेस्टेड जो फूड है उसको और जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है उसको फिर जो है एनएस के द्वारा ये बाहर निकाल देते हैं। तो मेलपिगिन ट्यूबुल्स में जो इसका प्रोक्सिमल एंड है यानी कि समीपस्थ जो सिरा होता है वो इसका अवशेषी प्रकार का होता है, क्योंकि उसमें जो एक्स्ट्रा वाटर और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं यानी कि जो पोषक पदार्थ होते हैं उनका वापस पुनः अवशोषण कर लिया जाता है और इस प्रकार से जो वेस्ट मटेरियल बाद में बचता है जो कि सॉलिड फॉर्म में रहता है, शुष्क फॉर्म में रहता है, तो उसको ये बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो मेलपिगिन ट्यूब है ना उसका ये प्रमुख कार्य होता है कि जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है उसको बाहर निकालने का कार्य
करते हैं। जो नाइट्रोजिनस वेस्ट जो होते हैं उनमें यूरिक एसिड भी होता है, यूरिया, यूरेट्स, कैल्शियम कार्बोनेट और ऑक्जलेट्स जो साल्ट होते हैं वो जो है बाहर निकाले जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके नर्वस सिस्टम की, कि जो ग्रास ऊपर का जो नर्वस सिस्टम है वो प्रमुख रूप से हम तीन भागों में इसको बांट सकते हैं। एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और तीसरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये आप ग्रास ऊपर का डायग्राम भी है और इसमें ये दिखाया गया है कि आप में जो आगे की तरफ इसमें ब्रेन होता है, ब्रेन जो है तीन भागों से मिलकर बना होता है, प्रोटोसेरिब्रम, ड्यूट्रोसेरिब्रम और ट्राइटोसेरिब्रम। ये तीन गुच्छक जो है इसमें अंदर पाए जाते हैं, जैसा कि आप इसके आगे के हेड वाला जो कैप्सूल है उसके अंदर देख पा रहे हैं। उसके नीचे ही फिर जो है इसमें सब इसोफेजियल गैंग्लियंस हैं और उसके बाद में जो वेंट्रल नर्व कोड उसमें थोरेकिक गैंग्लियन और एब्डोमिनल गैंग्लियन जो है पाए जाते हैं। ये इसका डायग्राम है जिसका हम ग्रास ऊपर का नर्वस सिस्टम का डोर्सल व्यू और उसका ब्रेन का जो है डोर्सल व्यू। पहले हम इसका जो नर्वस सिस्टम का जो डोर्सल व्यू है ग्रास ऊपर का वो देखेंगे। आगे का जो फ्रंट पोर्शन आप देख रहे हैं कि इसके अंदर आगे आगे की तरफ जो सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन और ब्रेन, जैसा कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके उसमें हम अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो उसमें ब्रेन और सब इसोफेजियल गैंग्लियन और वेंट्रल नर्व कोड, ये तीन प्रमुख प्रकार के पार्ट इसके अंदर पाए जाते हैं। ब्रेन को ही हम जो है सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन भी कहते हैं क्योंकि ये जो आगे का पोर्शन है वो तीन प्रकार के सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन है, जिसका मैंने आपको बताया कि एक तो प्रोटोसेरिब्रम, दूसरा जो है ड्यूट्रोसेरिब्रम और तीसरा जो है ट्राइटोसेरिब्रम। ये सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन मिलकर ये ब्रेन का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आप आगे का पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको, वहाँ पे सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन और ब्रेन ये स्थित होता है। तो सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन जो होता है वो ही जो है ब्रेन का कार्य करता है और तीन इसके अंदर जो है ऑप्टिक लोब जो पाए जाते हैं तीन जोड़ी, वो ऑप्टिक लोब के मिलने से प्रोटोसेरिब्रम, ड्यूटोसेरिब्रम और ट्राइटोसेरिब्रम ये तीन जो है पालियों के रूप में पाए जाते हैं। और यहीं से कुछ तंत्रिकाएं निकलकर नेत्रों को भी जाती है, एंटीना को भी जाती है और जो हेड का जो पार्ट है वहाँ उनको भी ये नर्व निकल कर जाती है। दूसरा जो आप देख रहे हैं इसमें ओसिलर नर्व जो यहीं से निकलकर ओसिलर नर्व जा रही है, ऑप्टिक गैंग्लियन है इसके अंदर तो ऑप्टिक गैंग्लियन को भी यहाँ से नर्व जाती है। दूसरा इसका पार्ट जो आप देख रहे हैं नीचे की तरफ, सरकम इसोफेजियल कमिश्वर, सरकम इसोफेजियल कमिश्वर जो होता है वो सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन या ब्रेन जो होता है उसको और सब इसोफेजियल गैंग्लियन इन दोनों को जोड़ने वाली कमिश्वर है जिसको हम कहते हैं सरकम इसोफेजियल कमिश्वर। जैसा आप देख रहे हैं कि ऊपर ब्रेन है, नीचे की तरफ जो है सब इसोफेजियल गैंग्लियन जिसको हम अधोग्रसी का गुच्छक भी कहते हैं, ये नीचे की तरफ होता है और ये भी तीन जोड़ी जो है गुच्छक होते हैं उनके संगलन से ये निर्मित होता है। तीन जोड़ी गुच्छक कौन से होते हैं इसमें, मैंडिबुलर गैंग्लियन, मैक्सिलरी गैंग्लियन और लेबियल, ये तीनों प्रकार के गैंग्लियन मिलके और सब इसोफेजियल गैंग्लियन का निर्माण करते हैं। तो ये सुप्रा इसोफेजियल और सब इसोफेजियल दोनों को जोड़ने वाला जो कमिश्वर होता है उसको हम कहते हैं सरकम इसोफेजियल कमिश्वर जो कि बीच में होता है। उसके बाद में आप देख रहे हैं कि जो थोरेक्स वाला रीजन है जिसके अंदर तीन प्रकार के, यानी कि हम थोरेक्स को तीन रीजन के अंदर बांट सकते हैं, एक प्रोथोरेक्स, दूसरा मीजोथोरेक्स और तीसरा मेटाथोरेक्स। तो तीनों में एक एक गैंग्लियन पाए जा रहे हैं। जैसा आप देख सकते हैं कि प्रोथोरेक्स यानी प्रोथोरेक्स रीजन में जो गैंग्लियन स्थित है वो प्रोथोरेकिक गैंग्लियन होगा, मीजोथोरेक्स वाले रीजन में जो गैंग्लियन स्थित है वो मीजोथोरेकिक गैंग्लियन कहलाता है और लास्ट में जो मेटाथोरेक्स वाले रीजन में है उसको मेटाथोरेकिक गैंग्लियन जो है कहा जाता है। यहाँ से कुछ तंत्रिकाएं भी निकलकर जो थोरेक्स वाला जो रीजन है या थोरेकिक अपेंडिजेज है उनको ये तंत्रिकाएं निकलकर जाती हैं। यहीं से तंत्रिकाएं हाइंडगट को भी, जो पिछली हाइंड लेग्स हैं अपेंडिजेज जो होते हैं उनको भी ये तंत्रिकाएं निकलती है। अब हम बात करते हैं कि जो वेंट्रल नर्व कोड है, आप इसमें
जो पीछे का रीजन है यहाँ से लेकर और ये वाला जो क्षेत्र है ये वेंट्रल नर्व कोड का कहलाता है। तो जो वेंट्रल नर्व कोड है ये जो सब ईसोफेजियल गैंग्लियन है उसके जस्ट नीचे की तरफ होता है, और डबल वेंट्रल नर्व कोड होता है, दोहरा होता है, और शरीर के पीछे तक ये पश्च भाग तक जो है फैला हुआ रहता है। यहाँ पे जो वेंट्रल नर्व कोड है उसमें थोरेक्स वाले खंड के में जो होते हैं उसमें एक एक द्विपालित गैंग्लियन भी पाए जाते हैं, और जो पीछे वाला जो रीजन है ये जो आप देख रहे हैं कि यहाँ तो ये थोरेक्स वाला जो रीजन था, ये वाला जो रीजन है ये तो थोरेक्स वाला रीजन हो गया यहाँ तक, लेकिन पीछे की तरफ जो वेंट्रल नर्व कोड है ये वाला भाग, ये वेंट्रल नर्व कोड जो है ये एब्डोमन वाले रीजन तक फैला होता है। तो एब्डोमिनल वाला जो सेगमेंट है वहाँ पर उधर में पांच जो है गैंग्लियन जो है पाए जाते हैं। तो पांच द्विपालित गैंग्लियन इसके अंदर होते हैं, और जो लास्ट वाला जो गैंग्लियन होता है ये वाला जो आप देख रहे हैं यहाँ पे नीचे की तरफ फिफ्थ एब्डोमिनल गैंग्लियन, तो ये फिफ्थ एब्डोमिनल गैंग्लियन जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, क्योंकि ये इसमें जो है चार बड़े जो है गुच्छक मिलकर इस गैंग्लियन का निर्माण करते हैं, इसलिए ये पांचवा जो फिफ्थ एब्डोमिनल गैंग्लियन है वो सबसे बड़ा होता है। यहीं से फिर तंत्रिकाएं निकलकर जो सेगमेंटल या जो अपेंडिजेस हैं उनके अंदर जाती है। तो इस प्रकार से ये जो इसका नर्वस सिस्टम है वो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो हमने जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात की कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन या सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन आता है, वो भी तीन छोटे जो द्विपालित गैंग्लियन हैं उनसे संलग्न से बनता है, यानी कि प्रोटोसेरिब्रम, डूटोसेरिब्रम, ट्राइटोसेरिब्रम। यहाँ पे आप ये जो दूसरा डायग्राम देख रहे हैं ब्रेन का, ये डोर्सल व्यू जो होता है उसके अंदर आपको ये जो गैंग्लियन है वो सारे जो है इसमें दिखाई दे रहे हैं कि ब्रेन जो है तीन गैंग्लियन के संलग्न से बनता है। तो जो ब्रेन की बात हो गई, दूसरा हो गया सब ईसोफेजियल गैंग्लियन, जो आपको मैंने बताया कि ये भी तीन जोड़ी गैंग्लियन के जो है संलग्न से मिलता है, और इसमें जो मैंडिबुलर, मैक्सिलरी और लेबियम, ये तीनों जोड़ी गैंग्लियन मिलकर इस सब ईसोफेजियल गैंग्लियन का निर्माण करते हैं। और तीसरा जो वेंट्रल नर्व कोड वाला जो पार्ट बताया मैंने आपको, ये वेंट्रल नर्व कोड वाला पार्ट है जो एब्डोमिनल रीजन के अंदर है, और इसमें पांच जो है द्विपालित गैंग्लियन पाए जाते हैं। ये तो सेंट्रल नर्व सिस्टम की बात हमने की। अब हम जब पेरिफेरल नर्व सिस्टम की बात करते हैं, तो पेरिफेरल का मतलब है परिधीय तंत्रिका तंत्र, और परिधीय तंत्रिका तंत्र में वो नर्व जाती है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलकर जाती है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जैसे प्रोटोसेरिब्रम है, वहाँ से दृष्टि तंत्रिकाएँ या ऑप्टिक तंत्रिकाएँ निकलती है, और जो संयुक्त नेत्र को जाती है वहीं से ओसिलर नर्व भी हैं जो तीन तंत्रिकाएँ निकलती है जो नेत्रकों को जाती है, और दूसरा जो ड्यूट्रोसेरिब्रम है वहाँ से एक जोड़ी तंत्रिकाएँ निकलकर एंटीना को जाती है। इसी प्रकार जो फ्रंटल तंत्रिकाएँ हैं वो डोर्सल लिप को जाती है, और दूसरी प्रकार की जो तंत्रिकाएँ हैं वो लेब्रम को जाती है। तो इस प्रकार से जो सब ईसोफेजियल गैंग्लियन है वहाँ से भी जो मैंडिबल, मैक्सिला और लेबियम को जो तंत्रिकाएँ निकल कर जाती है, तो इस प्रकार से जो पेरिफेरल नर्व सिस्टम है वो जो सेंट्रल नर्व सिस्टम वाला जो पार्ट है उससे निकलकर जो तंत्रिकाएँ जाती है वो पेरिफेरल नर्व सिस्टम के अंदर ली जाती है। अब हम बात करते हैं कि सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम की। सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम को भी हम विसरल नर्व सिस्टम या ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम कह सकते हैं। यहाँ पर भी प्रमुख रूप से जो ब्रेन से निकलने वाली जो तंत्रिकाएँ हैं जो फेरिंग्स वाले रीजन में हैं वो तंत्रिकाएँ आती है, तो उसमें फ्रंटल गैंग्लियन और ऑक्सीपिटल गैंग्लियन ये है, और तीसरा जो पार्ट है जिसमें विसरल पार्ट को जाने वाली जैसे एलिमेंट्री कैनाल को है, हार्ट को है, और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उनको जाने वाली जो तंत्रिकाएँ होती है वो विसरल
नर्वस सिस्टम के अंदर आती है। तो ये हम जो इसका नर्वस सिस्टम है, ये मैंने जो आपको बताया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्योंकि हमें डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डायग्राम हमें याद है तो वो सारी चीज़ें हम जो है लिख सकते हैं। यही चीज़ जो है मैंने आपको बताई है अभी। थैंक यू।